पीरियोडिसिटी के फंक्शंस ऑड इवन क्या पीरियोडिसिटी तो कब का खत्म हो गया तो लास्ट लेक्चर में थी आपने वो एक टेस्ट दिया था लास्ट क्लास नहीं नहीं पीरियोडिसिटी के बाद हम लोगों ने इवन ऑड फंक्शन भी किया था ना यस सर हां सर आपने वो लॉन वाला एग्जांपल करवाया द लास्ट वन वाज लॉन हां मैंने वो एक कोई कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट बताया था कि यहां पे गड़बड़ होती है बराबर ना इवन ऑड फंक्शंस में यस सर इट टोल्ड अस वे टू रिप्रेजेंट ईच फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शन यस यस इट वाज नॉट वैलिड फॉर ऑल फंक्शंस यस यस अच्छा बच्चों ये बताओ पहले तो हेडिंग ही देख लेते हैं एक बार इवन एंड ऑड फंक्शन क्या जरूरी है कि सारे फंक्शन या तो इवन हो या ऑड हो नहीं सर ये तो कर ही लिया ना लास्ट टाइम ये जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन इवन हो या ऑड हो हाँ लेकिन हर एक फंक्शन को इवन या ऑड की फॉर्म में लिख सकते हैं प्रोवाइडेड डोमेन डिफाइंड है ना ये सब कर दिया है बराबर ना अच्छा बच्चों एक चीज बताओ इवन प्लस इवन मतलब दो फंक्शंस को अगर ऐड करूं तो एक इवन फंक्शन आएगा कि ऑड फंक्शन आएगा इवन है इवन ही आएगा ना अरे बाबा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दोनों इवन फंक्शन है अगर मैं यहां माइनस डालूं और यहां माइनस डालूं तो ये सेम ही आंसर दे देगा ना इवन ही दे देगा ना चलो बच्चों क्या बच्चों और इवन माइनस इवन भी इवन ही होगा इवन ही होगा अच्छा बच्चों ऑड प्लस इवन क्या होगा ऑड होगा नन कुछ नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा ना तो इवन होगा या ना ऑड होगा बता ये एफ एक्स ये ऑड है ये ऑड है एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेगा तो इसका माइनस तो डिसॉल्व हो जाएगा और इसका माइनस बाहर निकल जाएगा तो कुछ भी नहीं मिला ना यस सर अरे बाबा इसको एच ऑफ एक्स ले ले है ना इसको इवन ले ले और इसको ऑड ले ले तो अब देख एच ऑफ माइनस एक्स क्या मिलेगा बता एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स तो ये तो हो जाएगा कितना एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स तो ना तो ये नाइदर दिस इज इक्वल टू एक मिनट रुक ये देखो Neither this is equal to fx minus gx आया ना Neither this is equal to hx nor this is equal to h of minus x है क्या बच्चों नन हो गया ना सर ये तो h of minus x के इक्वल है ना f h of minus x ये आया अब h of minus x ये आ रहा है क्या ये वापस hx है से ये सुनो नो सर क्या ये h of minus ओ माइनस h of x है नहीं सर नो भी नहीं इसका मतलब नन हो गया ना नन हो गया अच्छा बच्चों इवन एंड ऑड को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा यहां से माइनस कॉमन आएगा और यहां से सेम रहेगा तो ऑड बन जाएगा ना यस सर ऑड यस एक्सेट्रा बच्चों चेक कर सकते हो ना कहानी तो वही है ना नेगेटिव साइन बाहर आएगा कि नहीं आएगा वैसे करके लिख के चेक कर सकते हो ना इस तरह की चीज से यस और नो यस सर अच्छा अच्छा ये पॉइंट ध्यान से देखो एक बात बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स भी है और माइनस एफ एक्स भी है से यस और नो यस सर यानी बच्चों कंक्लूजन ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो is even as well as odd ये ध्यान रखना है इसको even odd दोनों की तरह ही consider कर सकते हैं बराबर है यानी calculus में x axis जो है ना बच्चों y equal to zero x axis का equation x axis is even function as well as odd function ये ध्यान रखना है राइट ये क्वेश्चन में किधर किधर वो यूटिलाइज कर लेता है तुम लोगों के लिए ओके अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों ध्यान देना इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट व्हाट एक्स इक्वल टू जीरो इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस यानी एक्स इक्वल टू जीरो उसने करेक्ट बोला
बच्चों ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होएगा, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ सेम बनेगा, बराबर है ना? यस सर, यस सर, फ्लिप कर देंगे। ये फंक्शन बना बच्चों, ये फंक्शन है, तो इसका ये वाला पार्ट जो बनेगा ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, इसको बच्चों इवन एक्सटेंशन बोलते हैं, मतलब ये गिवन है, ये गिवन है, ये ग्राफ गिवन है, तो ये जो ब्रांच में नहीं बना दूंगा ना बच्चों, ये a कोमा जीरो है, तो ये माइनस ए से इधर आ जाएगा, ये इवन एक्सटेंशन होता है। और बच्चों ये जो है ना, ये जो रेड कलर्ड में बना रहा हूं, ये ओनली रेड, इसको बोलते हैं बच्चों ऑड एक्सटेंशन। मतलब कहने का ये है कि अगर तुम लोगों को किसी जगह में वो ऐसा कुछ दे दे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, फाइंड इवन एंड ऑड एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स। बच्चों इसका मीनिंग समझो क्या है, वो आपको फोर्थली इस फंक्शन को इवन और ऑड बनाने के लिए बोल रहा है। तो बच्चों बताओ एफ इवन एक्सटेंशन क्या लिखोगे, ये पॉजिटिव एक्स के लिए है तो ये नेगेटिव एक्स के लिए है, ये एफ ऑफ माइनस एक्स ही तो है बच्चों। यस सर। तो एक्स को किससे रिप्लेस कर देना चाहिए? माइनस एक्स। माइनस एक्स से, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इवन एक्सटेंशन हो गया बच्चों ये। और बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन देखो ना, माइनस वन के इधर, बराबर है बच्चों? किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दे और तुमसे फोर्सली पूछे कि बताओ इसका इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन क्या होगा, एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, उस फंक्शन को फोर्सली इवन या ऑड बनाना, राइट? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का ग्राफ तो राइट साइड में बन गया, लेफ्ट साइड में ग्राफ x लेस देन इक्वल टू माइनस वन के लिए ये वाला बनना चाहिए, दिस इज इवन एंड ऑड एक्सटेंशन। इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन। और बच्चों ये जो ना, ये इसको एफ इवन एक्सटेंशन ऐसे ही बोलते हैं, क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछता है, फाइंड इवन एक्सटेंशन ऑफ दिस, चार ऑप्शन दे देगा, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना। अब बताओ दिमाग लगाओ, एफ ऑड एक्सटेंशन क्या आएगा, इसी का ऑड एक्सटेंशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एफ ऑड एक्सटेंशन। बच्चों बताओ क्या हो रहा है, इवन एक्सटेंशन से ऑड एक्सटेंशन कैसे निकालते हो, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लेते हो ना, रेड कलर लाइन क्या आ रही है, इसका रिफ्लेक्शन ही तो आ रही है। यस सर। तो इसका रिफ्लेक्शन का मतलब अगर ये हाइट y है तो ये वाली हाइट क्या होगी, माइनस y होगी ना, माइनस y। यस, माइनस y। इस हाइट में ब्लू कलर्ड लाइन का ग्राफ का नाम क्या है, x स्क्वायर माइनस x, ऐसे ही सर? नो। यस सर। यस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके पीछे माइनस लगा दूं बच्चों? यस सर, x माइनस x। तो इसको ऐसे लिखते हैं पहले, माइनस f इवन एक्सटेंशन से, यस और नो? यस सर। इवन एक्सटेंशन का नेगेटिव, इवन एक्सटेंशन का नेगेटिव मतलब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बच्चों समझ में आ गया क्या? यस सर। हां सर। बच्चों को डाउट है क्या इवन ऑड एक्सटेंशन कैसे निकालते हैं? बच्चों ऐसे स्टेप्स लिख दूंगा ना तो बीमार हो जाओगे थोड़े दिन में। हाउ टू फाइंड इवन एंड ऑड एक्सटेंशन, स्टेप वन, टू फाइंड इवन एक्सटेंशन रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, to find odd extension even extension का negative ले लो। वो सब बीमारियां जो तुम लिखते हो ना नोट्स में भी, उससे भी दूर रहा करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक दो जगह में फंसोगे, गलती करोगे, एग्जाम से पहले गलती कर दोगे तो क्या होगा, अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन वो नोट्स में ऐसी चीजें नहीं लिखनी चाहिए, राइट? बच्चों ये वाला पार्ट कॉपी करना है तो कॉपी करो, और अगर कॉपी नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट लेकर डालो सर।
हाँ बोलो बेटा सर, ये जो अपने ब्लू और रेड बनाया सर, अगर उन दोनों को हम एक ऐसे पैराबोलिक फंक्शन ऐसे डिफाइन करें सर, मतलब वो फंक्शन का ग्राफ ऐसे पैराबोला है सर, और दैट इज नॉट अ फंक्शन। यस सर, आपने बताया था कि अगर अरे हाँ सर, वो फंक्शन नहीं होगा। यस सर, और सर वो इवन इनटू ऑड इज इक्वल टू एन ऑड फंक्शन, वो उसका एग्जांपल दे सकते हो? हाँ ले, टेंशन क्या है, मतलब साइन एक्स इवन है कि ऑड है? अरे एक्स को माइनस एक्स से डालेंगे तो माइनस बाहर आ जाता है ना। हाँ सर, माइनस बाहर आता है सर। ठीक है, ऑड है कि इवन है? अरे बाबा, एफ एक्स को ले ले साइन एक्स बराबर। हाँ सर, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया? माइनस साइन एक्स, माइनस एफ एक्स हो गया ना। हाँ सर, तो ये फंक्शन कैसा है, ऑड है कि इवन है? सर इवन फंक्शन। कैसा उल्लू है यार, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है। ओ सॉरी सर, ऑड है सर। ऑड है, अच्छा कॉस एक्स इवन है कि ऑड है? सर इवन है, माइनस नहीं। अब इसको ले ले कुछ एच ऑफ एक्स, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, बता एच ऑफ माइनस एक्स क्या होएगा? सर माइनस ऑफ एच एक्स। हाँ सर, बता एच क्या हुआ? सर ऑड फंक्शन। ठीक है, बता इवन इनटू ऑड क्या हुआ? ऑड हो गया सर। ऑड हो गया, एक जगह से माइनस बाहर निकला, दूसरी जगह से माइनस बाहर नहीं निकला, ये तो हो रहा है। हाँ सर, बराबर है। यस सर, चल ठीक है, अच्छा कॉपी कर लो फटाफट। अपन ने ग्राफ कर लिया है ना, ग्राफ मतलब थोड़ा बहुत ग्राफ किया है ना। यस, रेंज निकालने के लिए ग्राफ किया था, नहीं किया था बच्चों? यस सर, आपने क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक और वो सब करा था, वो सब करा दिया था ना, मतलब एलिमेंट्री ग्राफ्स तो हम लोग को आते हैं एक्चुअली। ओके सब चेंज करना हो तो बता देना मुझे एक बार। Yes, sir, done. Done. Sir, one second. ठीक है। Yes, sir. Okay. अच्छा ध्यान दो, हम लोगों ने इवन ऑड फंक्शन किया, पीरियडिक किया, सबसे पहले डोमेन किया था बराबर? यस सर। यस सर, फिर उसके बाद में रेंज किया बराबर, उसके बाद आइडेंटिकल फंक्शन किया, मतलब इक्वल फंक्शंस, यही ना? यस सर। अच्छा, उसके बाद पीरियोडिक फंक्शन किया बराबर? यस सर। यस सर, पीरियोडिक के बाद इवन ऑड किया
एक ही है ना अब तक? यस सर। अरे वो तो फंक्शंस में इधर रेंज में आ गया, एक्चुअली डोमेन रेंज में आ गया है ना। और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बच्चों? ये हम लोग क्लासिफिकेशन पे तो चल रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन ही तो है। हाँ सर है ना। इस क्लासिफिकेशन में बच्चों ये बताओ, इस क्लासिफिकेशन में बच्चों ये बताओ ये क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, बहुत बार कर लिया है फिर भी फॉर्मली लिख रहा हूँ, ए एन एक्स टू दी पावर एन, ए एन नॉट जीरो। बच्चों इसको क्या बोलते हो? पॉलिनोमियल। एन डिग्री पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन बोल दो इसको, राइट? ओके, नंबर वन, आज का नंबर वन। वैसे तो हम लोग बहुत सारे फंक्शन क्लासिफिकेशन में कर चुके हैं। बच्चों ध्यान दो, सेकेंड, अगर एक फंक्शन में लिखूं एफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, वेर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल्स, तो बच्चों इसको एफ एक्स को जो है ना हम लोग बोलते हैं रैशनल फंक्शन। जैसे रैशनल नंबर होता है वैसे ही रैशनल फंक्शन, बराबर है? यस सर। ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन तुम्हें और मुझे दोनों को याद करनी पड़ती है, जब टाइम आता है तो याद रखनी चाहिए। बच्चों ध्यान दो, ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन रैशनल नहीं है बच्चों वो इरेशनल होगा, ऐसा कहना गलत है, नंबर सिस्टम में ऐसे ही करते हैं, राइट? लेकिन किसी भी फंक्शन में बच्चों अगर x के ऊपर रेडिकल साइन आ जाए, x के ऊपर रेडिकल साइन आ जाए, ये इरेशनल फंक्शन है बच्चों। बताओ बच्चों x प्लस वन बाई एक्स इरेशनल फंक्शन है क्या? नो सर। नो नो नो, क्योंकि ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, ये रैशनल बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। बच्चों हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी इरेशनल फंक्शन में वेरिएबल पे एक्स पे पावर क्या होनी चाहिए? रेडिकल साइन में होनी चाहिए, तो ही वो इरेशनल फंक्शन होगा। अगर मानो कहीं रूट एक्स माइनस वन इस तरह का कोई फंक्शन है बच्चों, रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, बच्चों ये वाला फंक्शन पता है ना क्या बन गया? कांस्टेंट फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया? पॉलीनोमियल फंक्शन। हाँ, इसको रैशनल फंक्शन भी बोल सकते हैं, इसको पॉलीनोमियल भी बोल सकते हैं, सारे पॉलीनोमियल रैशनल फंक्शन ही तो हो गए। डिनोमिनेटर अगर वन रख दूंगा बच्चों, क्यू एक्स को वन लिख दूं तो सारे रैशनल फंक्शन पॉलीनोमियल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सही है सर? नो। यस सर। यस बच्चों, लेकिन सारे पॉलीनोमियल रैशनल फंक्शन हो सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं 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 हो सकते। देखो ये ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, ठीक है? इरेशनल फंक्शंस बच्चों एक्स पे रेडिकल साइन मस्ट है, लेकिन यहाँ पे ये डिसॉल्व हो रहा है, मतलब आफ्टर सॉल्विंग जो फंक्शन मिलता है ना उसका ध्यान रखना है हम लोग को, है ना? बिफोर नहीं। ओके, इरेशनल फंक्शन बच्चों ध्यान दो, नंबर फोर, रैशनल यूनियन इरेशनल फंक्शंस। बच्चों इसको एलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब बच्चों ये और ये, टू यूनियन थ्री में वन तो वैसे ही आ गया ना, ये वन। यस भाई, क्यू एक्स को वन डाल दो, क्यू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डाल दो तो एफ एक्स ही आ जाएगा ना, टू यूनियन थ्री। बच्चों इसको एलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, बराबर? बच्चों नेक्स्ट, नंबर फाइव, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, एस सी आता है बच्चों, एस सी लिखना भूल गया मैं इधर, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। बच्चों ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं, कोई बताएगा? किसी ने ग्रुप पे पूछा था मुझे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ऑल नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस। बच्चों ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं, सारे नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस। बच्चों ये
e to the power x plus x transcendental function, sin x transcendental function, हालांकि इसको trigonometric function भी बोलते हैं पर transcendental भी है, sin x plus e to the power x plus x transcendental function, x into e to the power x transcendental function, pi raised to power x transcendental function. बोलो बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes sir. जैसे yes, यहां ये लिखा तो अपना काम खत्म हो गया, transcendental function. बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया? Yes sir. Yes. Sixth function, fifth function हुआ transcendental function. बच्चों sixth function ध्यान दो, homogeneous function. बच्चों ये थोड़ा गंदा फंक्शन है, एक्चुअली ये फंक्शन ही नहीं होता है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं उसको. बच्चों कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स के टर्म्स भी है वाई के टर्म्स भी है, कि इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसको मुझे होमोजीनियस फंक्शन डिफाइन करना है. तो बच्चों क्या करो पता है, ऑन पुटिंग, नहीं बच्चों ऐसे ऐसे नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू राइट दिस डेफिनेशन. एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो जो लिखा हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू टी एक्स हर एक फंक्शन में, मतलब अगर एक्स और वाई में कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसमें पुट वाई इज इक्वल टू टी एक्स. इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई reduced to x raised to power n into g of t, मतलब बच्चों x की पावर तो पूरी ही पूरी बाहर निकल गई राइट, और अंदर जो बचा वो सिर्फ t का फंक्शन बचा, तो उस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं. बच्चों देखो ध्यान दो, x square plus y square plus 2xy ln y by x, ये fxy हो गया बच्चों. अब इसमें y इज इक्वल टू टी एक्स डाल दो. बोलो बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. यस सर. यहाँ पे टी टू टी स्क्वायर एक्स, नहीं टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर टी आएगा. तो बच्चों टी स्क्वायर कॉमन ले लो उसमें से. सॉरी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो इससे. इसे x स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर कितना बच गया? 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 2t ln t. बोलो बच्चों हो गया क्या होमोजेनियस फंक्शन? यस सर. यस सर. हां सर. हियर f ऑफ x कॉमा y इज होमोजेनियस फंक्शन. हां कोई कुछ पूछ रहा है सर, बोल रहा था बीच बीच में. बोलो is it okay बच्चों, definition वाला part okay number 6 तक? yes sir. yes sir. अब सब लोग ध्यान दो, कौन सा number था? number 6, number 7. सब बच्चे ध्यान दो बच्चों, ये function y square is equal to x is not a function. Say yes or no. Yes sir, not a function. Yes sir. तो अच्छा मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी. हाँ अब सब लोग ध्यान दो. If y is not being expressed in terms of x in a single branch, function is said to be implicit. बच्चों सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखो, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट अपने आप आ जाएगा. जितने भी फंक्शन तुम पढ़ते हो, फंक्शन की डेफिनेशन तुम पढ़ते हो, सारे फंक्शन बच्चों एक्सप्लिसिट होते हैं. व्हाट डू यू कॉल एक्सप्लिसिट? जितने फंक्शन अभी तक पढ़े ना, साइन एक्स कॉस एक्स
ये पिछले डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन, ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं बच्चों, ये इसको छोड़ के, इसमें तो वाई एक्स के टर्म्स में एक से ज्यादा हो सकता है ना। यस सर। हाँ तो बच्चों ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है, ये कैसा फंक्शन है पता है तुम लोग को? एक्सप्लिसिट फंक्शन है, समझ में आ रही है कहानी बच्चों? ये फंक्शन, ये फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। बच्चों ये जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं ना, मतलब एक्स और वाई में जो फॉर्मूला लिखा होता है, या फिर यूं बोलो कि एक्स और वाई में जो रिलेशन लिखा हुआ है, उसमें वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना उतना आसान नहीं है। जैसे इसमें निकाल के दिखाओ, निकाल ही नहीं पाओगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं निकाल सकते। मतलब यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइंड दिस, इवन आई एम नॉट एलिजिबल, आई कैन नॉट फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स हियर, राइट? अब जो यहाँ पे, लेकिन ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग अभी फिलहाल ये नहीं बोल सकते कि इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है। लेकिन बच्चों एक बात समझो, अगर x की कोई वैल्यू 1 डाल दूं और y की एक से ज्यादा वैल्यूज आ जाए, बच्चों इस फंक्शन को एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट कैसे बोलोगे बताओ? कोई तरीका नहीं है ना। अरे बाबा, y इन टर्म्स ऑफ x एक ही ब्रांच निकलेगी कि एक से ज्यादा निकलेगी, कैसे पता करोगे? यहां तो पता लग रहा है दो ब्रांच निकल रही है। Yes, sir. अरे बाबा, y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टू ब्रांचेस, से यस और नो? यस सर। तो वो इम्प्लिसिट हुआ ना सर, एक्सप्लिसिट? वो इम्प्लिसिट। हां तो वही सोच, अबे मैंने उल्टा लिख दिया, शिट। हां सर, आपने उल्टा लिख दिया सर, y स्क्वायर इक्वल टू x भी इम्प्लिसिट। अरे यार कितनी गलतियां तुमसे होती है यार, तुम तो सॉरी नहीं बोलते, मैं सॉरी भी बोल रहा हूँ तुम लोग को, गलती हो गई, माफ कर दो भाई। इम्प्लिसिट फंक्शन है जी, ठीक है, दिस इज इम्प्लिसिट। तुम यहाँ क्यों नहीं बोले, इतनी देर बाद क्यों बोले? सर हम खुद कंफ्यूज हो गए। हाँ सर, वही सोच रहे हैं। मैं सोच रहा था इतनी देर से। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा ये भी इम्प्लिसिट है? अरे यार सर, वो भी इम्प्लिसिट होगा सर। अरे यार क्या है ये सब, दिस इज नॉट करेक्ट, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये लो खुश, ये भी इम्प्लिसिट है बच्चों। यस, ये क्या कर दिया मैंने बच्चों? वाई का वैल्यू एक्स के टर्म्स में एक ही ब्रांच होगा ना, एक ही ब्रांच होगा तो ही एक्सप्लिसिट होगा, अदरवाइज इम्प्लिसिट होगा। यहाँ डेफिनेशन जो लिखा है ना, उसी को रॉन्ग लिख दिया इधर। चलो ठीक है, टू ब्रांचेज, तो बच्चों ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, ये भी इम्प्लिसिट, ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, बराबर ना? अब बच्चों यहाँ कैसे पता करें बताओ? यहाँ तो ऐसे ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल, मतलब ये भी सॉल्व होता है, ये भी सॉल्व होता है, ये तो सॉल्व नहीं होता ना? नहीं सर, नहीं। लेकिन बच्चों एक्स की वैल्यू वन डालो या एक्स की वैल्यू जीरो तो डाल नहीं सकते। जीरो डालोगे तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, वाई क्यूब भी जीरो आ जाएगा, तो वाई भी जीरो आ जाएगा। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू तो ढूंढ सकते हो ना जिससे वाई की डिफरेंट वैल्यूज मिल जाए, बोलो बच्चों। यस सर। अरे बाबा एक्स की वैल्यू वन डाल दो, चलो तो कितना आ जाएगा? वाई क्यूब प्लस थ्री वाई प्लस इक्वल टू जीरो। नहीं, फंस गए, वाई की वैल्यूज निकालना डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, इसका डीवाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है? अरे यार डीवाई बाई डी एक्स क्यों, एक्स की वैल्यू तो वन डाल ही चुके ना, डीवाई बाई डी एक्स निकालने के लिए एक काम करते हैं बच्चों, इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव थ्री वाई स्क्वायर आएगा, सुनो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दो, वो मेन पॉइंट वो है, इसको मिटाते हैं अपन। अपन क्या है, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में इधर जाएंगे तो ही मजा आएगा। और जो एग्जाम में पता है यही फंसते हो, बाकी कुछ फंसने की जगह नहीं है, यहाँ तो बोलते सिंपल सी डेफिनेशन है, फंसते हो यहाँ पे। वो पूछेगा ये इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है बताओ, है ना? अब वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकल ही नहीं पा रहा है तो कैसे बताओगे? डेस्मोस तो मिलता नहीं वहां, डेस्मोस तो जिसने जिसके पास में होगा उसको पता है ये इम्प्लिसिट है, राइट? अच्छा एक चीज बताओ, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक से ज्यादा वैल्यू मिले तो इम्प्लिसिट होता है ना? हाँ सर, बराबर। अच्छा एक चीज बताओ, अगर 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 इस फंक्शन को मैं
कुछ ये लूं, 3y² dx/dy + 3 = 0. बोलो बच्चों कर सकते हैं क्या y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव? तो ये dx by dy कैसा सर, आपने ओरिजिनल इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था? अरे यार तुम लोग को क्या डेरिवेटिव पढ़ाया नहीं है ना अभी तक, रुको कुछ और सोचता हूँ। सर ने विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट। अच्छा अच्छा एक चीज बताओ, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ तो बनाया हुआ है ना? यस सर। यस सर, इसी तरह का बनता है ना? हाँ सर। अगर इसी तरह का बना तो वाई की हर एक वैल्यू के लिए आंसर भी वाई का एक ही आएगा, मतलब वाई की कोई भी वैल्यू डाल दो, मतलब ये वाले ग्राफ में कोई टर्न ऐसा टर्न आ जाए तो बच्चों दो वैल्यूज आ जाएंगी ना। यस सर। हाँ तो इसमें पता करना है कि इसको जब इसमें इस तरह का कुछ, अगर ये इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, बताओ x³ + 3x + 1 ऐसे लिख दूं, राइट? तो बताओ बच्चों इसमें टर्न आता है कि नहीं आता है, कैसे पता करोगे? सर इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकाल। इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं, गधेड़ा इसको डिफरेंशिएट कर देगा, डिफरेंशिएट करके स्लोप निकलेगा, y = 3x dy - y′= 3x²+3 ऐसे ही करेगा ना? हां सर। हां सर। हां बराबर ना? यस सर। अब ये y डैश तो हमेशा पॉजिटिव है, यानी ऊपर ही जाएगा, यानी ये अच्छा इधर माइनस करो माइनस। अब बताओ बच्चों प्लस माइनस वन पे टर्न कर रहा है ना, इसका मतलब तो वो तो यहाँ से भी हो जाएगा, फिर तो ये आ गया, ये तो प्लस है, एक्स का वैल्यू वन लिखा ना तो ये माइनस आ गया। अब अच्छा ये तो यहाँ से भी पता लग रहा है, इसको क्या लिखोगे? y × y − 1 y × y − 3+1 ऐसे आएगा ना? तो वाई की कोई दो वैल्यूज बताओ जिसपे सेम आंसर आता हो, एक जीरो और एक थ्री, बराबर है ना? यस सर। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? वैसे प्लस लेते तब भी सेम आंसर आता था सर, जीरो और माइनस थ्री आता था प्लस में, तब जीरो जीरो और माइनस थ्री पे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर आएगा ना, वाई स्क्वायर माइनस थ्री ना क्या बेटा? सर वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री होगा। हाँ तो तीन वैल्यूज मिल गई इसका, मतलब रूट थ्री और माइनस रूट थ्री। हाँ सर, y = 0, y = √3 और y = 0, y = √3 और y = −√3। बताओ बच्चों x की वैल्यू 1 के लिए, x = 1 के लिए y के तीन वैल्यूज आती हैं, से यस और नो? यस सर। यस। अगर ये माइनस है तो, और बच्चों प्लस होगा तब सर, पर ये सर y = 0 y सर फिर एक ही आएगी, सर एक ही आएगा। बोलो बच्चों ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक वैल्यू के लिए वाई की तीन वैल्यूज। हां यस सर। तो इस फंक्शन को इंप्लिसिट बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? इंप्लिसिट। हां सर इंप्लिसिट बोलना है। तुम्हें समझ में आया? इतनी देर से अपन लोग फंस का रहे थे, मतलब अपन लोग करना क्या चाह रहे हैं ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर। अपन लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स तो कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है, राइट? तो कैसे पता करें कि ये इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है? तो बच्चों अगर एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वाई की एक से ज्यादा वैल्यू मिल जाए तो फंक्शन इम्प्लिसिट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। एक्स की एक भी वैल्यू के लिए, फॉरगेट अबाउट मेनी वैल्यूज, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए अगर वाई की एक से ज्यादा वैल्यू मिल जाए तो बच्चों इम्प्लिसिट हो गया कि नहीं हो गया? से यस और नो? यस सर। तो बच्चों यहाँ माइनस साइन के साथ ये इम्प्लिसिट हो गया। अब एक काम करते हैं, प्लस साइन वाला भी लेके देखते हैं, कीड़े तो करने ही चाहिए ना सर, फिर एक्सप्लिसिट होगा। रुकना रुकना, कुछ भी मत बोल, सर को बोलने दो ना यार। 3xy = 0। अब बच्चों यहाँ पे अपन फंस गए क्योंकि x को 1 डालते ही गड़बड़ होती है, x को -1 डालते हैं बच्चों एक बार। ये -1 प्लस ये y³ और ये -3y = 0 ये आएगा ना बच्चों? यस सर। हां सर। तो बच्चों y² - 3 और ये -1 + = 0 बताओ बच्चों? यस सर। क्या बोलते हो, ये 0 बनता है कि नहीं बनता है? यस सर। नहीं बन रहा यार, कहां बन रहा है बता?
माइनस वन बन जाता ना, यानी एक्स इक्वल टू माइनस वन पे वाई इक्वल टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री और कितना जीरो। बोलो बच्चों क्या बोलते हो? हाँ सही सही। यस सर। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब अपने को कोई एक्स चूज करना पड़ता है एक्चुअली, जिसके लिए ऐसा बन रहा है, बराबर है। अब तुम अगर किसी ने चीटिंग से डेस्मोस पे डेस्मोस रख लिया हो तो बच्चों ये वाला ग्राफ बना के देखना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री ए एक्स वाई। अब तो ए पे कंडीशन खत्म हो गई ना, ए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। बोलो बच्चों। हाँ सर। अब अगर ये कम समझ में आया ना तो एक बार रिकॉर्डिंग देख के समझना, और फिर दिक्कत आए तो नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कस करना, ठीक है? माइट बी, मैंने रैंडम एग्जांपल लिया है, एग्जैक्ट नहीं लिया है सर। एक मिनट रुको ना, समझाने का मतलब एक ही है बच्चों, एक चीज समझो कि अगर ये आता नहीं है, ये सिलेबस, ये वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन वगैरह वाला सिलेबस में नहीं है, राइट? लेकिन बच्चों सिर्फ एक ही चीज जो समझनी है, दिमाग में रखनी है, वो क्या है, सब लोग ध्यान दो, वो चीज क्या है बच्चों? अगर किसी भी फंक्शन में x की एक वैल्यू के लिए y की एक से ज्यादा वैल्यू मिले तो उस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ये सब जो मैंने लिखा है ना, ये तुम लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि यार ऐसे फंक्शंस होते किस तरह के हैं। जैसे बच्चों, वापस आऊंगा इस पेज पे, टेंशन मत लो। जैसे बच्चों अगर ऐसा फंक्शन दे दिया जाए, एक्स रूट वन प्लस वाई प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। बच्चों इस फंक्शन में जो है ना, वाई एक्स के टर्म्स में अपन निकाल सकते हैं, समझना ध्यान से, इसको अपन वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। वो पूछ रहा है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ऐसे पूछ रहा है। ओके, पूरा लिखते हैं, ऐसे पूछ रहा है। तो बच्चों यहां वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना आसान है, देखो कैसे। एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बच्चों? यस सर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स। नो डाउट बच्चों स्क्वायर करने से रूट्स बढ़ जाते हैं, बढ़ भी सकते हैं, सॉरी बढ़ जाते नहीं, बढ़ भी सकते हैं। से यस और नो बच्चों? यस सर। तो ठीक है, उनको टैकल करेंगे बाद में अपन, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। बच्चों इसका फैक्टर बनाओ, एक्स माइनस वाई, इसका फैक्टर में एक्स वाई कॉमन लो, एक्स वाई कॉमन लिया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई तो इसका फैक्टर बन गया, इसमें से एक्स वाई कॉमन लिया तो कितना बच गया बच्चों? एक्स माइनस वाई, बराबर ना? हाँ सर। एक्स माइनस वाई आ गया कॉमन, अंदर कितना बच गया बताओ? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, सही है ना बच्चों? एक तो वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वाई इंटू वन प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना? यही आएगा ना? हाँ सर वही है। तो y कितना आ गया बच्चों? माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स। बच्चों इस इक्वेशन में y के लिए दो ब्रांच आ गई, लेकिन बच्चों एक गड़बड़ है, स्क्वायर भी तो किया है। यस सर। यस सर। डाल के चेक करना पड़ेगा, यानी ये वैल्यूज डाल के चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू यहाँ डालू तो जीरो इक्वल टू जीरो आ जाना चाहिए। बच्चों बताओ ये वैल्यू डालने से जीरो इक्वल टू जीरो आता है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं आता, लेकिन बच्चों ये वैल्यू डालने से आ जाता है। डालो ना यहाँ y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ये जीरो इक्वल टू जीरो आता है। बताओ बच्चों फंक्शन कैसा हुआ, इम्प्लिसिट के एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट फंक्शन। बच्चों एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो इसी तरह का पूछ सकता है, जिसमें y इन टर्म्स ऑफ x निकालने के एल्जेब्रिक मेथड तुम लोग को करवाए हुए एल्जेब्रा में और तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं पूछ लेगा उठपटांग सा कुछ भी उठा करके। समझ में आ रही है कहानी? यस सर। अब बच्चों किसी को पूछना है कुछ पूछ सकते हो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट के बारे में। हाँ बोलो बेटा। सर
बट आपने जो क्यूबिक में एक्स इज इक्वल टू माइनस वन सब्स्टिट्यूट किया है उसके लिए अगर वाई का वैल्यू अगर जीरो हो जा रहा है तो माइनस वन इक्वल टू जीरो आ जा रहा है सर. मैं पूछ रहा हूँ ये माइनस वन बनेगा कि नहीं बनेगा राइट इसका मतलब वाई क्यूब माइनस थ्री वाई माइनस वन बनेगा कि नहीं बनेगा. एक लाइन में समझाता हूँ वाई क्यूब माइनस थ्री वाई का वैल्यू वन बनेगा कि नहीं बनेगा ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन. गधेड़ा सुन तो सही वाई क्यूब माइनस थ्री वाई माइनस वन बनेगा कि नहीं बनेगा वाई की वैल्यूज के लिए ही पूछना है ना. तो बताओ वाई क्यूब माइनस थ्री वाई का ग्राफ जब तू बनाएगा तो टर्न करेगा कि नहीं करेगा जीरो थ्री और इस पे बेबी कर बना लेना तीन जगह में कट कर रहा है ना. तो ये माइनस वन हाइट तीन जगह में ले लेगा कि नहीं लेगा इस पे नहीं लेगा इन वैल्यूज पे नहीं लेगा लेकिन तीन डिफरेंट जगह में माइनस वन हाइट लेगा कि नहीं लेगा. अच्छा यस सर यस सर. हाँ अरे बाबा इसका ग्राफ जब बनाएगा तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा इस तरह का. यस सर. तो ये अपनी हाइट माइनस वन ले लेगा कि नहीं लेगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हाइट ले रहा है से यस और नो. यस सर. तो तुझे सिर्फ इतना चेक करना है ये जीरो ये सॉरी माइनस रूट थ्री ये जीरो और ये रूट थ्री ये तीन हाइट यहाँ पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है दैट्स इट. वो चेक कर लेगा नहीं कर लेगा. हाँ यस सर यस सर. वही चेक कर. हाँ बोलना सर. मतलब हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं कि रूट थ्री माइनस रूट थ्री एंड जीरो पे वो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर इक्वल हाइट लेगा बट इट मे नॉट बी माइनस वन. यस 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 दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. बच्चों ये कम भी समझ में आया और नहीं भी समझ में आया हो तो मुझे इश्यू नहीं है क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स मैंने एग्जांपल ले लिया है तुम लोग के लिए. ये समझ में आया कि नहीं आया इंपॉर्टेंट है ये समझ में आया कि नहीं आया इंपॉर्टेंट है और ये समझ में आया कि नहीं आया इंपॉर्टेंट है. बोलो बच्चो. सर मतलब आप लोग इनडायरेक्टली चेक करने की एक रिलेशन फंक्शन है कि नहीं. हाँ एक रिलेशन फंक्शन है कि नहीं ये चेक करने का है. बराबर है बच्चों. यस सर. अब देखो इससे मैटर ऑफ चांस है तुम्हें कम समझ में आया हो या मैंने गलत समझा दिया हो बट इतना मैं बोल रहा हूँ वापस रिपीट कर देता हूँ. देखो एक चीज हमेशा लाइफ में ध्यान रखो फंडामेंटल अगर क्लियर है तो आंसर में प्रॉब्लम आने का चांस नहीं है. फंडामेंटल क्या बोलता है कि अगर तुम वाई को एक्स का टर्म्स में एक से ज्यादा ब्रांच निकाल पाते हो यहां भी निकाल रहे हो यहां भी निकाल रहे हो अगले वाले ब्रांच में भी निकाल पा रहे हो एक से ज्यादा ब्रांच यहां निकल रही है एक से ज्यादा ब्रांच यहां निकल रही है उससे अगले वाले में एक से ज्यादा ब्रांच नहीं निकल रही है अगर निकाल पाते हो तो बच्चों तुम्हारे सिलेबस में जो क्वेश्चन होगा वही आएगा उससे बाहर. ये उससे बाहर है राइट उससे बाहर नहीं आएगा. तो अगर तुम निकाल पा रहे हो तो उसका फंक्शन का इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट चेक करना तुम लोग को आता है. इसका मतलब ये है. डू यू अंडरस्टैंड गाइस. यस सर. हां बच्चों अब ध्यान दो. हां बोलो. टर्न इन द लास्ट लास्ट पेज सर. सो इफ यू पुट एक्स इज इक्वल टू 1 सो सो देन द फंक्शन वी गेट वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज़ वाई स्क्वायर प्लस 3 सो वो implicit how does it imply like we put x is equal to minus 1 but for different values of x like it will so, x equal to 1 likhegi na x equal to 1 pe y ki do values aaye to answer milega nahi aa rahi hai jaise maan le koi graph aisa graph bana aisa right to ye jo points hai na beta ye wale points inke beech mein x ki koi bhi value rakhegi to y ki teen teen values aayengi barabar se yes or no ha yes. लेकिन बेटा इसके बाद कोई वैल्यू रखेगी तो एक्स के हर एक वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू मिलेगी ना. हाँ एग्जैक्टली. सो सर. हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई की तीन वैल्यू मिले. एक्स की किसी भी एक वैल्यू के लिए अगर वाई की तीन वैल्यूज या दो वैल्यूज मिल रही है तो वो फंक्शन इम्प्लिसिट होएगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस. हाँ यस सर. हाँ बराबर है. हाँ ठीक है. हाँ सर बोलो. सर इधर y into y square minus 3 equals to 1 आ रहा है सर. सर इधर अभी हम y equals to 0 root 3 डालेंगे तो सर वो 0 आ रहा है एकदम मतलब 0 equals. अरे बेटा मैं ये कर रहा हूँ 0 root 3 और minus root 3 right. हाँ सर. अब तुझे इस ग्राफ की हाइट इन दोनों के बीच में जहाँ टर्न कर रहा है ये अगर 1 से कम आ जाए तो बता ये तीन वैल्यूज मिल रही है कि नहीं मिल रही है. हाँ सर तीन वैल्यूज बस वही सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बार पता लग जाए कि इस पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है तो डिफरेंशिएट करके पता कर सकता है ना. हाँ सर. बस
और बच्चों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इम्प्लिसिट होगा, क्योंकि मुझे इसका ग्राफ पता है, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। तुम लोग ने डेसिमल्स खोला है तो तुम लोग को पता लग जाएगा ये इस तरह का ग्राफ बनता है। यस सर, नॉट की तरह। हाँ, नॉट की तरह ग्राफ बनता है। तो मुझे देखो क्या है, एक्चुअली ये रटा हुआ है ग्राफ, तो मैं तो बड़ा बोल्डली इसको बोल रहा हूँ कि इम्प्लिसिट होगा, लेकिन तुम लोग को परेशानी आ रही है यार, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। तो बच्चों मैंने शायद 10वीं बार 15वीं बार बोल रहा है यार, ये टेंशन मत लो प्लीज, ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर की चीज है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं आया, बस उतनी टेंशन लो, ठीक है? पर आपने बोल दिया एक बार तो फिर कोई टेंशन। अरे नहीं, रट थोड़ी सकते हो बेटा ये, अब मुझे तो बहुत बार ये ग्राफ देखा हुआ है इसलिए रट गया है। अब तुम बच्चे लोग तो इतना रटोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीन सब्जेक्ट और तीनों में भी 6 पार्ट। केमिस्ट्री में 3, फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री मैथ्स में 2, तो 4 और 3 7 पार्ट्स है, कब तक रटते रहोगे? तो रटना तो मैं प्रिफर नहीं करता, बट ठीक है, ये तुम्हारा आएगा ही नहीं, टेंशन मत लो इसकी। बच्चों मैं तुम्हें पिछला वाला पेज दिखा सकता हूं। मेरी बात सुनो और थोड़ा कॉन्फिडेंस देता हूँ बच्चों, मैं प्रूव करूंगा बाय द टाइम कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसे? डिफरेंशिएट करके। एक फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे 3 डेरिवेटिव आ जाए, सोचो बच्चों, 2 डेरिवेटिव आ जाए एक पॉइंट पे 2 डेरिवेटिव पॉसिबल है बच्चों? सर बेसिकली एक से ज्यादा स्लोप नहीं हो सकता ना एक पॉइंट पे। अच्छा नहीं मतलब अगर इम्प्लिसिट नहीं है तो। हाँ इम्प्लिसिट नहीं है तो बच्चों इस पॉइंट पे बताओ 0.0 पे इसका स्लोप कितना आ रहा है? 90 आ रहा है? यस सर। 0 आ रहा है? हाँ सर। टच कर रहा है ना? यस सर। Yes, एक ही पॉइंट yes, पे 2 स्लोप आया, मतलब 2 ब्रांच हुई ना? यस सर। 2 ब्रांच होने का मतलब क्या हुआ, फंक्शन इम्प्लिसिट हो गया कि एक्सप्लिसिट हो गया? इम्प्लिसिट हो गया। बच्चों बहुत तरीके हैं, लेकिन मैथ्स को एक दिन में खत्म नहीं कर सकते ना, अभी कैलकुलस का स्टार्ट चल रहा है, उसको अभी यहीं पे कैसे खत्म कर दे? इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट आगे जाके बहुत डिटेल में डिस्कस होता है सर। हाँ बोलो सर। बट अगर एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक से ज्यादा हो रहा है तो बेसिकली फंक्शन ही नहीं रहा ना, लाइक इनिशियल डेफिनेशन। मैंने कहा इम्प्लिसिट फंक्शंस आर नॉट फंक्शंस, लिख के दू? नहीं ठीक है, स्टार्ट में बोला था सर। आप प्रीवियस केस दिखा सकते हो? हां सर, पिछला पेज। एक मिनट पहले इसकी खुशी को ध्यान में रखते हुए लिख देता हूँ मैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस आर नॉट फंक्शंस। यस सर, आपने बताया, ठीक है। हाँ बोल बेटा, क्या पूछ रहे तू? सर पिछला पेज, प्रीवियस पेज चाहिए था। हाँ सर। पता है यहाँ बहुत फाट है बच्चों, बच्चों इधर उधर बुक्स में मत चले जाओ। हाँ कुछ मतलब कुछ, अरे पांडे सर हैं क्या? अक्षत सर। हाँ सर होगा। अक्षत सर। यस सर। प्ले कर रहे हो नहीं कर रहे हो ग्राफ के साथ में? नो सर। अक्षत आजकल एकदम शांत हो गया, मतलब नॉट टू स्पीक इन द क्लास। अक्षत नेक्स्ट टर्न तेरा ही है बेटा। हाँ चल, चेंज करूं क्या बच्चों? यस सर। नहीं सर, कॉपी कर दो। अच्छा सेकंड पेज कॉपी नहीं किया था क्या? हाँ सर, आप डायरेक्ट थर्ड पेज। अच्छा ठीक है, ये डेफिनेशन है बच्चों। अरे बताए क्या है ये, पता नहीं कुछ कुछ दिया रहता है, फिर ट्रांसेंडेंटल का कुछ भी डेफिनेशन दिया रहता है, इधर उधर पढ़ोगे तो पता नहीं क्या ही क्या लिखा हुआ है। सर हाँ सर, e to the power x plus f, ये सब एग्जांपल सर नॉन एल्जेब्रिक कैसे हुए? क्यों एल्जेब्रिक कैसे हुए बता, एल्जेब्रिक का डेफिनेशन तो दिया हुआ है ना, तो जो दिया हुआ है वही एल्जेब्रिक होता है, बाकी सब नॉन एल्जेब्रिक होता है। ये एल्जेब्रिक है, ये भी एल्जेब्रिक है, ये भी एल्जेब्रिक है, बाकी कोई एल्जेब्रिक नहीं। सर हाँ सर, ये जो रेडिकल साइन आपने बोला, तो मतलब ये सारे फ्रैक्शनल साइन थे ना? हाँ, 1/3, 1/4। हाँ सब रेडिकल साइन सब। ठीक है सर। अच्छा जब चेंज करना हो तो बताओ प्लीज। यस सर। करू चेंज? सर रुको सर, ठीक है करो।
ओके चलो आगे Yes, अच्छे क्वेश्चन भी कराना है ना अभी कब तक यहाँ फंसे रहोगे तो डेफिनेशंस है yes, चलो ये कर लो ये क्यूबिक वाला एग्जांपल मत लिखो यार तुम लोग ये इसमें रहने दो स्लाइड पे रहने दो ये वाला एग्जांपल वन लिख दो ये इम्प्लिसिट है ये एग्जांपल टू लिख दो ये इम्प्लिसिट है और बच्चों ये एग्जांपल थ्री लिख दो ये एक्सप्लिसिट है ये क्यूबिक वाला लिखो ही मत इसको अपन जब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे ना बच्चों वहां खूब जम के करेंगे इसको या फिर टेंजेंट नॉर्मल में करेंगे इसको हाँ बोल बेटा सो द इम्प्लिसिट वन इट्स नॉट अ फंक्शन टेक्निकली राइट सो व्हाट डू वी क्लासिफाई इट अंडर बेटा इसको मेनी वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं हाँ हमारे सिलेबस में नहीं है तूने अगर रिलेशन नहीं बोलेंगे नहीं रिलेशन बोलते हैं राइट लेकिन जैसे एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज होता है बच्चों एक तो होता है ऑर्डिनरी रिलेशन एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन ऐसे बोलते हैं एक मेनी वैल्यूड फंक्शन बच्चों तुम लोग रियल एनालिसिस में दो ही पार्ट पढ़ते हो एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन एक मेनी वैल्यूड फंक्शन ये मेनी वैल्यूड फंक्शन में आता है हमारे सिलेबस में नहीं है है ना लेकिन फिर भी हम लोग को जगह जगह पे अलग अलग जगह पे इसको डील करना पड़ता है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए ऐसे है ना yeah. बाकी तू सही कह रही है जो फंक्शन नहीं है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है समथिंग लाइक दैट पेज नंबर फोर पे जाऊं क्या यस सर यस सर यस सर हाँ बोलो सर इसमें आपने y equal to x वापस सब्स्टिट्यूट क्यों किया सर वो ओरिजिनल इक्वेशन में मतलब यहाँ पे छोड़ क्यों दिया चेक करने के लिए ना यहाँ पे दो ब्रांच आ रही हैं स्क्वायर किया था ना स्क्वायर स्क्वायर किया तो रूट बढ़ने की डर है ना थोड़ा ओके सर हाँ तो y इन टर्म्स ऑफ x दो रूट आ गए तो चेक तो करना पड़ेगा दोनों रूट सेटिस्फाई कर रहे एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी रूट सेटिस्फाई नहीं करे नल सेट आ जाए समझ रहा है यस सर हाँ इट्स अ बिग चांस जैसे ये वाला फंक्शन नल सेट एल एन बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स माइनस एक्स डोमेन नल सेट यस है ना देख यस या फिर अंडर रूट नहीं अंडर रूट में नहीं लेंगे एल एन में लेंगे ऐसे भी ले सकते थे जैसे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट माइनस एक्स अच्छा इसका डोमेन तो नल सेट नहीं होगा एक्चुअली नहीं नल सेट ही होगा या तो ये जीरो होगा या फिर माइनस वन होगा है ना यस सर हाँ इसका डोमेन भी बच्चों नल सेट है डोमेन नल सेट का हाँ इसका डोमेन नल सेट हो गया ना अब इसको x equal to 0 ही तो सेटिस्फाई कर रहा है अंदर वाले को हाँ okay, तो सर कैन यू एक्सप्लेन दिस लेफ्ट साइड में जो एग्जांपल 3 है व्हाई इज इट एक्सप्लिसिट अगेन बेटा इसमें देख y इन टर्म्स ऑफ x दो ब्रांच चाहिए बराबर यस सर अब मुझे श्योरिटी नहीं है कि ये दोनों ब्रांचेस करेक्ट हैं कि नहीं है और वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया था एक्चुअली यस सर
तो मैं y इक्वल टू एक्स यहाँ डालता हूँ, तो बेटा जीरो इक्वल टू जीरो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना. ओ यस, है ना, इधर लिखा ना जीरो इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब y इक्वल टू एक्स इज द रॉन्ग ब्रांच. यस सर, ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आराम से रफ रफ नोटबुक में लिख के देख बेटा, y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख दे, तो ये जीरो आ जाएगा ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड. ओके सर, जो बाउंडेड फंक्शन करा दिया था ना मैंने, हाँ सर आपने कराया था. हाँ सर हो गया. यस सर, बाउंडेड फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, से यस और नो बताते चले जाओ. सिग्नम फंक्शन हो गया और कौन सा बच गया, कांस्टेंट फंक्शन भी हो गया ना बच्चों. हां सर, आइडेंटिटी फंक्शन हुआ. यस सर, ओके ओके, अरे ध्यान दो, टाइम क्या हुआ है, 10:50, 11:45 है ना, 11:15 तक है ना लेक्चर अपना, मतलब 11:15. हाँ, ये implicit, explicit definition वाला part में एक बार drop कर रहा हूँ, हम लोग आगे चल रहे हैं ना. चलो ध्यान दो, functional equation, ये जिन बच्चों ने वो दिया है ना ओलंपियाड, उनके लिए ये लल्लू चैप्टर है, लल्लू टॉपिक है functional equation, because this is so wide you can't even imagine. आर्थर एंजल किसी ने पढ़ा है, कोई भी एक बच्चे ने पढ़ा है? यस सर, आर्थर एंजल पूरा पढ़ा है, पूरा. हां सर, मींस थोड़े चैप्टर्स पढ़े. हां सर, मैंने फंक्शनल इक्वेशन किया है दोस्त, फंक्शनल इक्वेशन ही किया होगा, बाकी उसका पॉलीनोमियल इक्वेशन तो मुझसे भी नहीं हुआ अभी तक, मतलब मैंने ही पूरा नहीं किया है. फंक्शनली खतरनाक है वो बुक, एकदम बहुत बढ़िया वाली, उसका कॉम्बी अच्छा है. हां उसका कॉम्बी अच्छा है, यस यू आर राइट. तो बच्चों जिन लोगों ने वो कर लिया ना, उन लोग के लिए ये कंटेंट बड़ा इजी है. फंक्शनल इक्वेशन का बेसिक मीनिंग समझो क्या है. जैसे बच्चों उसने दिया ऐसा कुछ, मैं इसमें दो ही एग्जांपल कराऊंगा, बाकी एग्जांपल तुम लोग को करने हैं, क्वेश्चन मतलब जो उसमें मिलेंगे ना वो तुम लोग को करने हैं. टू टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड इज आस्किंग फाइंड f of x and f of 4. अच्छा f of 4 निकालना तो बड़ा आसान है, f x निकल जाएगा तो f of 4 निकल जाएगा ना. यस सर, f of 4 तो f of x निकाले बगैर भी निकल जाएगा, एक आध दो वैल्यूज इधर उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा बच्चों, है ना. लेकिन बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं पता है, हम लोग x के साथ गेम करते हैं, मतलब मैं x को 1 माइनस x से रिप्लेस कर रहा हूँ. ये वाला प्रोसेस वैसे तुम लोगों ने पीरियोडिसिटी में अडॉप्ट किया हुआ है. टू टाइम्स एफ ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एक्स को वन माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये कितना आ गया बच्चों, टू माइनस एक्स, राइट, एक्स हो गया, बराबर है बच्चों. हाँ अच्छा ठीक है, अब जो तुम्हें तुम लोगों को पता लग चुका है इसमें एफ ऑफ वन माइनस एक्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दूं. हां हां सर, बराबर ना. यस सर, तो 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ, 4 टाइम्स fx, fx सबट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 3 fx, 3 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट हुआ तो ये तो गायब हो गया, गायब हो गया. हां राइट हैंड साइड इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये हो गया था 2x स्क्वायर, और सबट्रैक्ट किया है तो माइनस 1 माइनस x होल स्क्वायर. बोलो बच्चों आ गया क्या fx? हां सर, यस सर, 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 3. बच्चों फंक्शनल इक्वेशन इस तरह का इक्वेशन मिलेगा जिसमें लड़ाई झगड़े करके और आपको fx को एलिमिनेट करना है. अब बच्चों यहां x और 1 माइनस x था, फॉर्चूनेटली x को 1 माइनस x लिखते ही आंसर आ जाता है, राइट. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ थोड़ा लड़ना पड़ेगा. मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे ऑर्डिनरी क्वेश्चन करा के और फिर एक अच्छा क्वेश्चन दे दूं तो वो तो तुमसे हो ही जाएगा, राइट.
तो जिन बच्चों ने ऑर्थर एंजल नहीं करी है उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग सा क्वेश्चन है बच्चों, ये आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी में, एफ एक्स प्लस टू टाइम्स एफ ऑफ, तुम्हारी बुकलेट में भी है ये, वन अपॉन वन माइनस एक्स, विंडो में भी है और उसमें भी है एक्स, आई रिपीट, एफ एक्स प्लस टू टाइम्स एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, फाइंड एफ एक्स, find fx and f of 2, find fx and f of 2. और बच्चों ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे एक्स्ट्रा, जिन बच्चों को इसका आंसर आ जाएगा उनको हैंड रेज करना है, और ये जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख रहा हूं ना बच्चों, अच्छा बच्चों मुझे एक चीज बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पता है कि नहीं है? यस सर, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, हाँ बस उतना ही जरूरत है। तो ये जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ना, ये होमवर्क के लिए है, आराम से बैठे बैठे आधा घंटे तक करना, नहीं आया तो फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ये उन लोगों के लिए जिनने ऑर्थर एंजल पूरा कर लिया है। ये देखो बच्चों क्वेश्चन है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर f of y dy, find fx, fx find करने का मतलब बच्चों एक चीज बताओ, अगर यहाँ लिमिट 0 टू 1 दिया हुआ है इसका मतलब ये तो कांस्टेंट ही होएगा ना? यस सर, डेफिनेट आंसर आएगा, तो डेफिनेट आंसर आएगा ना, मतलब आएगा तो पॉलिनोमियल, ये तो पक्का हो गया, बराबर है ना बच्चों? yes, ये मतलब औकात से बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन कोई अगर फ्री होएगा टाइम रहेगा तो ट्राई करना। This is most important problem for। अगर तुक्के से प्रॉब्लम का आंसर आता है तो आपको भेज सकते हैं। तुक्के से आएगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि ये सब नहीं नहीं आएगा। जादू लगा। तुक्के से नहीं आएगा, जादू से नहीं। चलो ठीक है। आएगा तो भेज दे। बट अगर आ गया तो भेज दे। मैं फिर भी बोल रहा हूँ नहीं आएगा। इतना तो डिमोटिवेट मत। गलती गलती से। वही वही। गलती गलती से। और फंक्शनल इक्वेशन, अबे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चल ही नहीं रहा है, रुक एक बार इसको थोड़ा सा मैं उससे साफ करता हूँ। फॉर फंक्शनल इक्वेशन, ये बताए इसका आंसर तुक्के से भी नहीं आएगा एक्चुअली। चलो ठीक है, फिर भी गलत आंसर तो आ जाएगा। हाँ, 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 थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए बोल देना चाहिए, ओके ट्राई लाइक दैट। चलो बच्चों तुम लोग तो ये करो, ये वाला करो। हाँ सर, टाइम दे। सर कैन यू गो टू द प्रीवियस पेज फॉर वन सेकंड? बेटा ये तो कॉपी कर ले, फिर उसके बाद में वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर। यस सर, थैंक। अच्छा बच्चों तुम लोगों को पता है इस क्वेश्चन में इंस्पिरेशन क्या था एक्स को वन अपॉन वन माइनस एक्स लिखने का? यहाँ लिखेंगे तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएगी, यही था ना? हाँ सर। हाँ, इसको जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मतलब इसमें भी ध्यान रखना, ट्राई करो, जिसको होएगा उसको हाथ ऊपर करना है।
only 9 students have done it. बच्चों 14 बच्चों को बनाए ये भी, वेट करो अगला क्वेश्चन ट्राई करते रहो। देखो इसमें कीड़ा क्या है बताए तो लोग क्यों फंसे हो इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में करूं क्या मैं सर पहले आंसर बताओ ना। अरे और आंसर एफएक्स एफ ऑफ टू का बता दूं क्या? हाँ सर। रुक देख रुक मेरे को ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ से डाल दिया था मैंने। रुक एक मिनट सर सॉल्व भी कर लो फिर क्या ही फर्क पड़ता। और क्या सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा ना। देखो बच्चों एक और बताओ मुझे तुम्हें अगर 1 अपॉन 1 माइनस x में एक इक्वेशन और मिल जाए तो काम चल जाएगा ना। हाँ सर। हाँ सर तो सब्स्टिट्यूट। अच्छा मैं पेज चेंज कर रहा हूँ मुझे क्वेश्चन लिखवा देना वापस। fx प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है? 2f ऑफ 1 बार 1 माइनस नेक्स्ट राइट हैंड साइड क्या है? x। अब बच्चों पहला तो ये आएगा ये सब बच्चों ने लिखा है सब ए टू जेड बच्चे जो कान जिनके ईयरफोन लगा हुआ है ना वो सब लोगों ने लिखा है एक्स को वन अपॉन वन माइनस एक्स से रिप्लेस किया है। यस तो इक्वेशन आ गया एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन वन माइनस is equal to 1 upon 1 minus x। बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। प्लस f of प्लस 2 टाइम्स f of 1 minus 1। हां यार माफ कर दे। बच्चों ये क्या आएगा जरा बताओ ना। 1 minus 1 minus x upon x 1। हां ये आएगा ना बच्चों। हां सर हां is equal to अब तो अपन और फंस गए एक्चुअली देखा जाए तो।
सर माइनस एक्स है ना उधर इसमें एक काम करते हैं अपने को देखो इसको एक्स से डिवाइड करो तो ये कितना बन रहा है वन माइनस वन बाई एक्स बन रहा है ना यस तो बच्चों इस इक्वेशन में एक काम करो x को 1 माइनस 1 बाई एक्स लिखो ये देखो यहाँ आ रहा है ना 1 माइनस 1 बाई एक्स ये बच रहा है ना बच्चों यहाँ पे एक इक्वेशन और क्रिएट करते हैं देखते हैं ये बस यही करना होता है फंक्शनल इक्वेशन में कुछ करो देखते हैं राइट वो फास्ट चाहिए बस और कुछ भी नहीं है एक बच्चे को एक क्वेश्चन एक घंटे में बनता है एक को 10 सेकंड में बन जाता है वो डिपेंड करता है हाउ फास्ट इट क्लिक्स एक्चुअली तो बच्चो मैंने लिखा फर्स्ट इक्वेशन में लिख रहा हूँ इक्वेशन में एफ ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स बराबर है प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स बोलो बच्चों सही है इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बच्चों ये कितना बन रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 एफ ऑफ एक्स 1 माइनस 1 बाई एक्स अब बच्चों एक काम करो एफ ऑफ एक्स को ए ले लो एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को बी ले लो और एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को सी ले लो तो बच्चों पहली इक्वेशन क्या बन गई बताओ ए प्लस 2b इज इक्वल टू एक्स यही बनी ना यस ये थर्ड इक्वेशन है बच्चों सेकंड इक्वेशन क्या बन गई बच्चों बताओ सेकंड इक्वेशन बी प्लस 2c b plus 2c is equal to कितना 1 by 1 minus x बराबर और बच्चों थर्ड इक्वेशन क्या बन गई ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों ये c plus 2a is equal to 1 minus 1 by x का जड़ा बताओ बच्चों 1 2 3 को सॉल्व करके क्या निकालना है तुम लोग को एबीसी क्या निकालना है फाइंड ए निकालना निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा यस सर निकल जाएगा अभी फाइनल आंसर मेरे को पता नहीं याद भी नहीं है और पेज भी पता नहीं कहां से उठा करके दिया है वो ढूंढना पड़ेगा बच्चों समझ में आया नहीं आया यस सर रुको रुको अभी फंक्शनल इक्वेशन में जो लास्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसको सॉल्व करने के लिए क्या मस्ती मारनी है वो सीखना है बच्चों ये पेज पलटूं क्या ये लिखना है क्या तुम लोगों को लिख लेते हैं इसको कॉपी कर लो फिर थोड़ा एक छोटी सी चीज सिखा देता हूं ताकि नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम कोई स्टार्ट तो कर पाएगा ठीक से इट्स लाइक दैट सर वो आप सर वो जो आपने लंबा वाला दिया हाँ बेटा वो लंबा वाला ही सर वो अभी आप सॉल्व मत कर सर हाँ बोलना सर इसमें आपने लाइक सेकंड टाइम एक्स को 1 माइनस 1 बाय एक्स से रिप्लेस किया बट सर अगर हम वो जो सेकंड इक्वेशन है उसमें एक्स की जगह वापस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डालते जाएंगे तो फिर पता है तू फंक्शनल इक्वेशन पढ़ने के लिए एक लेक्चर मेरे से लेना ठीक है फिर तुझे हर क्वेश्चन के 10-10 मेथड बता दूंगा मैं सिंपलेस्ट मेथड बताया मैंने बस दैट्स इट बाकी तू जो कह रहा है सही कह रहा है हाँ सर उससे वो ऑड फंक्शन प्रूव हो जाता है एंड फिर ऐड करके डायरेक्ट आ जाता है बाबा हाँ हो जाता है यस अभी फंसाऊं तुझे देख सुन बच्चों सब लोग ध्यान देना यार ये कॉपी कर रहे हो ना ध्यान कैसे देना बच्चों आउट ऑफ द बॉक्स एक प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं तुम लोग को मतलब जो रूटीन में चल रहा है उससे बिल्कुल अलग हटके बिल्कुल अलग सोचने वाला एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें बच्चे मतलब एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप गलत सलत सोच के कुछ ना कुछ आंसर बना डालते हैं राइट और फिर डिस्कशन में फंसते हैं ऑथेंटिक आंसर रेयरली किसी बच्चे को आएगा प्रोवाइडेड द चाइल्ड इज ऑनेस्ट किसी टीचर वीचर से मत पूछ लेना राइट अगर तुम अपने दोस्तों में सिर्फ डिस्कस करो वो भी सीनियर्स से नहीं क्योंकि उनको कराया हुआ है ये प्रॉब्लम
अपने ही दोस्तों में इस प्रॉब्लम को रोटेट करोगे तो तुम किसी न किसी रॉन्ग मेथड से इसका आंसर जरूर निकाल दोगे, राइट? लेकिन वो करेक्ट नहीं होगा, ऐसा डिस्कशन में अपन लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों ये कॉपी किया तो आगे चल के लिखूंगा क्वेश्चन में, इधर लिखते हैं ना बच्चों, ध्यान दो ये वाला क्वेश्चन, ध्यान दो। देखो इसमें उसने क्या लिखा पता है, वो बोलता है इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन माइनस वन कॉमा वन एंड एफ ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स एफ एक्स, प्रूव दैट। fx is always zero for all x belongs to minus 1 comma 1। बच्चों ये r e e, बच्चों एक बात समझ लो, इस क्वेश्चन में जो ना थियरी ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन बन जाए तो पॉसिबल बहुत कम है। जैसे पुराने वाले क्वेश्चन के लिए इसके लिए बोला था ना मैंने, इसके लिए ये तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब ऐसा है कि स्टार्ट करना भी मुश्किल है, ठीक है? लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में जो ना एक छोटी सी जो ड्रॉबैक है वो क्या है पता है, कि कुछ भी उल्टा पुल्टा मेथड बना करके अपन लोग को प्रूव हो जाता है कि एफ एक्स जीरो ही होगा, राइट? वो डिबेटेबल है, वो डिबेटेबल है, अदरवाइज इतने मार्क्स का क्वेश्चन होता नहीं था। कुछ तो है पंगा इस क्वेश्चन में, तो सोचना सब लोग मिलके अगले लेक्चर में ये तो डिस्कस गारंटीड करेंगे। और बच्चों इसका भी सिखाऊंगा मैं, इसका वाला पार्ट भी सिखाऊंगा, इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे होल्ड करते हैं, थोड़ा तो अभी सिखाऊंगा। एक्चुअली 11:17 हुआ ना, तो ठीक है 5 मिनट लेट भी तो स्टार्ट करते हैं। हाँ चलेगा, करो करो बच्चों करो, ये कॉपी कर लो फटाफट से, क्वेश्चन भी कॉपी करो। मुझे याद नहीं है, मैं चल देख लूंगा, मतलब मैंने जिधर से उठा के दिया था ना वो क्वेश्चन, वो मैंने पलट दिया पेज, एक्चुअली वो पेज मिल नहीं रहा है मुझे। Sir, is that 2x f of x or is that 2x plus x? नहीं, 2x into f of x है। मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ उसको, तू सही कर रहा है। ठीक है बेटा, अभी आया, अभी 2x into f x ब्रैकेट डाल दूँ क्या इसमें? नहीं सर, हाँ ठीक है। एक बार वापस लिख देता हूँ यार। अभी ठीक है ना? यस। मैं जो क्वेश्चन कॉपी कर लिया हो तो सॉल्यूशन करने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूं अभी मैं। बच्चों चलूं क्या आगे? इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दो ना यार मुझे। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे सिखाना है, बस थोड़ा था, ज्यादा नहीं, थोड़ा हिंट देना। बच्चों आज इवन ऑड वाला भी होमवर्क आ जाएगा, और भी कोई कंटेंट जो हुआ है ना तो उसका होमवर्क आज दे देता हूँ। चलो ये तो निकाल लेंगे सर। हाँ हो कैसे कॉपी होगी? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये क्वेश्चन अगर ऐसे दिया होता एफ एक्स इज इक्वल टू, रुको देखो यहाँ, टू एक्स प्लस थ्री टाइम्स
जीरो टू वन एफ ऑफ वाई डी वाई फाइंड एफ एक्स ऐसे दिया होता। थोड़ा चेंज करते हैं बच्चों इसको, टू एक्स स्क्वायर कर देते हैं और इसको एक्स कर देते हैं, ठीक है, ऐसे दिया होता बच्चों, तब क्या करते हैं ध्यान से सुनो। अच्छा एक चीज बताओ, जब यहां डीवाई लिखा होता है तो यहाँ वाई वेरिएबल होता है ना? यस सर। वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है ना, मतलब ये एक्स तो कांस्टेंट हो गया ना बच्चों? यस सर, एक्स कांस्टेंट। यस ये तो बाहर निकल जाएगा ना, इसको तो इंटीग्रेट करना भी नहीं है ना, तो बच्चों इसको ऐसे लिख दूं, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इंटू जीरो टू वन एफ ऑफ वाई डी वाई, सही है सर ना बच्चों? यस सर। अच्छा बच्चों एफ ऑफ वाई क्या है, एफ ऑफ वाई क्या है, वही तो क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स पता लग जाएगा तो एफ ऑफ वाई भी पता लग जाएगा ना? यस वही तो क्वेश्चन है, वही तो बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसको सर्कल लगा देते हैं ना, सर्कल ऐसे सर्कल लगा के बोलते हैं उड़ जाओ यहाँ से, है ना, मतलब कुछ तो कॉन्स्टेंट आएगा, अरे एफ ऑफ वाई पता नहीं है, अगर पता लग जाएगा तो इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेगा तो कुछ कॉन्स्टेंट ही आएगा ना बच्चे? तो एफ एक्स क्या बन जाएगा बता, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए एक्स, ऐसे ही बनेगा ना, इसको ए ले लिया मैंने, यही बनेगा ना? यस सर। बच्चों तो ए का वैल्यू किसके इक्वल आएगा बताओ, ए क्या है, जीरो टू वन यस एफ ऑफ वाई डी वाई, सही है सर नो? यस सर, यही है ना? यस सर। यस सर। अब बताओ ए क्या है बच्चों, ए जीरो टू वन, व्हाट इज एफ ऑफ वाई, यहाँ से देखो, यहाँ से टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री ए वाई, ये कैसे हुआ? ये बेटा जादू से हो गया है, इसके लिए बादाम थोड़े ज्यादा खाने पड़ते हैं। समझ रहा है? अरे एफ ऑफ वाई जी एफ एक्स ये रहा। बच्चों हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। ए इज इक्वल टू बच्चों इसका इंटीग्रल वाई क्यूब बाई थ्री, टू वाई टू बाई थ्री प्लस इसका इंटीग्रल थ्री ए वाई स्क्वायर, वाई कितना, टू इंटीग्रेशन के लिमिट कितनी, जीरो टू जीरो टू वन, वन लिमिट डाली, वन लिमिट डाली तो कितना आया, टू बाई थ्री, यहाँ डाली तो कितना आया, थ्री ए बाई टू प्लस थ्री ए बाई टू। बच्चों इसको इधर लेके आए तो कितना आया, माइनस ए बाई माइनस ए बाई टू माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू टू बाई थ्री, तो बच्चों ए का वैल्यू कितना आ गया, माइनस फोर बाई थ्री, ए का वैल्यू पता लग गया बच्चों, तो एफ एक्स कितना मिल गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए का वैल्यू माइनस फोर बाई थ्री एक्स, आंसर बोलो बच्चों हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ सर। आईआईटी लास्ट 10 years 3 times इस क्वेश्चन का रिपीटेशन है बच्चों, सेम प्रोफाइल का रिपीटेशन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन वैसे ही, किधर गया ये रहा, ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन बच्चों इसको कितना भी स्पीड से करोगे ना तब भी 5 मिनट कम से कम लगेगा अब इसमें, अब हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना? और बच्चों एक बात समझ लो, इसपे इतने वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम बनते हैं और सबका सोल्व करने का मेथड सेम रहता है, सेम हो ही जाएगा, नहीं होने का चांस बनता ही नहीं है बच्चों, चांस ही नहीं बनता है, ठीक है? फटाफट कॉपी करो।